गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 2 है। ये हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन 1 भी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश मेन की लेसन 1 और 2 दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वाक्य। और पार्ट्स का मतलब हिंदी में होता है अंग, यानी वाक्य के अंग। ये याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिया दे आर गोइंग टू वे दिल्ली जा रहे हैं, तो इसमें अंग का मतलब ये है कि इसके दो पार्ट इसमें खोजने हैं आपको, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ये याद रखना, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है दे, सब्जेक्ट क्या होता है दे, और प्रेडिकेट ये पूरा होता है। बेटा इतना याद रखना, हाँ, सब्जेक्ट ये होता है और प्रेडिकेट में पूरा पार्ट आ जाता है, चाहे उसमें वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कंजंक्शन हो, कुछ भी हो, वो पूरा आपका जो सेंटेंस का पार्ट है वो काय में आएगा, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट। इतना ही कहा है आपके चैप्टर में समझाने को, इतना ही बताया, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो पहले भी बता चुका हूँ मैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच गिव एंड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। Is known as a sentence. उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। A group of words that gives a complete sense, which gives a complete sense, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, हम वाक्य। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, शब्दों के समूह को, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस, व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जो शब्द होते हैं वो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, एक पूरा अर्थ देते हैं। अर्थ का मतलब जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली, इसे इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। दे आर गोइंग टू दिल्ली, वे दिल्ली जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसका प्रॉपर पूरे का अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, अन्यथा इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। ना आप लोग ध्यान रखें कि इसको सेंटेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दूसरा सेंटेंस और ले लेता हूं मैं, उसको देखिए। फर्स्ट जैसे देखा, दे आर गोइंग टू दिल्ली, तो मैं यहां पर ले लूं आर गोइंग दे दिल्ली टू। अब बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, शब्दों के समूह में तो ये भी लिखे,
लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, कुछ भी सही शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं है, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, यही फर्क है। ठीक, ऐसे अगर आपको दिया जाएगा और आपको इसको सही करके लिखना है तो आप क्या करेंगे, दे नाउन और प्रोनाउन जुड़ा कर करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब दे आर गोइंग टू दिल्ली, दिस इज द सेंटेंस। इतना आप लोग करेंगे समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करते हैं। ये सेंटेंस नहीं है, और इन्हीं शब्दों को जब सही वे में लिख दिया गया तो ये एक सेंटेंस बन गया। यही चीज समझनी है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बता चुका हूँ, अभी बुक से और दिखा दूंगा, सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट भी पूरा। ओके, सो नाउ वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द बुक। ओके, इतना समझ में आ गया होगा, अब हम इसके आगे बुक से करेंगे। सो नाउ लेट्स वी रीड। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन टू है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, द पार्ट विच रिफर्स टू द पर्सन और थिंग अबाउट हुम वी से समथिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो सेंटेंस का वह भाग जो किसी के बारे में कुछ बता रहा हो, उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस के अंदर। दूसरा है प्रेडिकेट, द पार्ट इन विच वी से समथिंग, जिस पार्ट में हम कुछ कहते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सेंटेंस रितु हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल, तो इसमें सब्जेक्ट रितु हो जाएगा और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। दूसरा सेंटेंस है वरुण एंड अरुण आर फ्रेंड्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वरुण एंड अरुण, और प्रेडिकेट हो जाएगा आर फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट जो होता है वो आगे होता है ज़्यादातर, 95% और 99% फोर्थ क्लास में। सेंटेंस द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो द एरोप्लेन है उसके बारे में ही कुछ कहा गया है सेंटेंस में, तो जिसके बारे में कहा गया है वो सब्जेक्ट द एरोप्लेन, बाकी पूरा क्या हो जाएगा, इज फ्लाइंग इन द स्काई, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला सेंटेंस का है द प्लेयर्स एंटर्ड द प्लेग्राउंड, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा द प्लेयर्स और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, एंटर द प्लेग्राउंड। तो इसी तरीके से हैं सारे, आप इनको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप समझें अच्छे से। माई टीचर टीचिस मी इंग्लिश, यानी आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें अपने हिसाब से प्रेडिकेट ऐड कराने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कुछ दिया गया है, ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखना है, दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑफन कम्स फर्स्ट, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर वो पहले आता है, बट ओकेशनली इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द प्रेडिकेट, पर कभी कभार ये प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करना कि 100% ही ऐसा होता है, 1-2% कभी कभार आगे पीछे भी हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट है सीमा इज़ अ टीचर, इज़ अ टीचर प्रेडिकेट हो गया, द बॉय सब्जेक्ट हो गया, इज़ ड्रिंकिंग वाटर प्रेडिकेट हो गया, कोकोनट सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ टॉल ट्री प्रेडिकेट हो गया, द पेन सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो जाएगा इज कॉस्टली, काउ सब्जेक्ट है गिव्स अस मिल्क प्रेडिकेट है, द डॉग सब्जेक्ट और बार्क्स प्रेडिकेट। मतलब आप इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, ज़्यादातर नाउन वर्ड जो लग रहे हैं वो सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो नाउन वर्ड सेंटेंस में पहले आते हैं, इसलिए इनको हम सब्जेक्ट कहेंगे और उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड राइट इट इन द गिवन ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहला अमन गोज़ टू स्कूल डेली, तो इसमें आपको अंडरलाइन सब्जेक्ट करना है केवल, तो अमन आ गया सब्जेक्ट है, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, तो मुंबई क्या है सब्जेक्ट है, द बॉय इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, तो द बॉय क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, रोहन इज़ रीडिंग अ बुक, तो रोहन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई एडिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, इसमें आपको सब्जेक्ट ऐड करना है
प्रेडिकेट आपको दे रखा है और वो भी बॉक्स में से। तो डैश इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम। अब गेम कौन सा है? क्रिकेट गेम दिया है तो क्रिकेट आ जाएगा। डैश इज़ द किंग ऑफ जंगल। जंगल का किंग कौन होता है सबको पता है। द लॉयन इज़ द किंग ऑफ जंगल। डैश इज़ अ बिग सिटी। सिटी का नाम हमें दिया गया है कोलकाता, तो कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। डैश टीचेज अस इन द स्कूल। द टीचर टीचेज अस इन द स्कूल। द काउ इज ईटिंग ग्रास। द काउ, ठीक है। अगला क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई एडिंग प्रेडिकेट्स। माई टीचर टीचेज मी इंग्लिश, है ना। तो द डॉग बार्क्स, आप इसको मतलब लिख सकते हो द डॉग बार्क्स, है ना। तो बार्क्स प्रेडिकेट हो जाएगा। द चेयर क्या हो जाएगा? द चेयर इज पुटिंग इन, जो बोलते हैं ना इन द पार्क, कुछ भी बोल सकते हैं कि चेयर वहाँ पर है। प्रेडिकेट आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब जैसे द डॉग मैंने बार्क्स बोला, आप बोल सकते हो द डॉग इज रनिंग बिहाइंड दी कैट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वो तो अपने ऊपर है सेंटेंस बनाना। द बॉयज़, जब बॉयज़ हैं, बॉयज़ क्या कर रहे हैं? बॉयज़ आर डूइंग स्टडी, ये भी हो सकता है। द बॉयज़ आर गोइंग टू द स्कूल, ये भी हो सकता है। कुछ भी बना सकते हो। प्रेडिकेट मतलब सही होना चाहिए। नाउन प्रोनाउन वर्ब उसमें सही लगनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट सही होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्त गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द चेयर, यही है सारा। और इससे जो ये इसमें दिया गया है अमन, ये इसमें इधर लिखा है मैंने, जो अंडरलाइन किया गया है वही गिवन प्लेस में लिख दिया गया है। ये वीडियो नंबर 4 थी स्टूडेंट हमारी। अब हम वीडियो नंबर 5 भी बनाएंगे आगे, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। इसकी PDF मैं आपको कल सेंड कर दूंगा। तब तक आप रीडिंग करिए, अपनी बुक फिल करिए, आज वीडियो को वॉच करिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू विल आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ओके स्टूडेंट्स। क्योंकि हम जब तक चैप्टर को पढ़ेंगे ही नहीं, बुक लेकर के वीडियो सामने चालू करके फिर आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर का यही मतलब है कि पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, वो दो होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आगे होता है, प्रेडिकेट लास्ट में होता है। इसको समझ के आगे करना है, ओके स्टूडेंट। और कोई दिक्कत हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, यू विल आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ओके। थैंक यू बेटा।